रक्षाबंधन के मौके पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया था कि 48 घंटे के लिए सभी बहनों को फ्री बस सेवा दी जाएगी। लेकिन जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सीएम योगी के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही नजर आई। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की घोषणा। जी हां, परिवहन निगम बसों की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कई बहनों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। कुछ नहीं, हम लोग बस में 11 बजे से खड़े हुए हैं, अभी तक एक बस भी नहीं मिली है। जब बस आती भी है पहले जेंट्स बैठ जाते हैं, लेडीज वहीं की वहीं खड़ी रह जाती हैं। कहाँ जाना है आपको? कानपुर जाना है, 11 बजे से खड़े हुए हैं, अभी तक नहीं मिली है बस। जाहिर है सीएम योगी तो साफ गोई के साथ जनता के हक में फैसले करते तो हैं, लेकिन ये मोटी तनख्वाह लेने वाले अधिकारी सीएम योगी के विजन को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।